राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो गुटों के बीच शनिवार शाम होते होते जमकर हंगामा हो गया, जिसमें करीब 8 पुलिसकर्मी सहित लगभग 9 लोग घायल हुए। दरअसल शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के दिवस पर पूरे देश में जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ऐसी एक शोभा यात्रा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई और जैसे ही शोभा यात्रा कुशल सिनेमा के पास पहुंची, वहां पर जमकर पथराव शुरू हो गया। हालात को काबू में पाने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने खुद कमान संभाली और मौके पर पहुंचकर गलियों में जाकर उन्होंने लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है, जो छोटा झगड़ा हुआ था वह नियंत्रण में है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे घर घर जाकर अपील की जा रही है कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है, जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और ज़रा सा कोई शक सुबह भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। पूरे इलाके में पुलिस मौजूद है, यहाँ जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पुलिस यही रहेगी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से सांसद मनोज तिवारी भी सामने आए और उन्होंने भी प्रार्थना होकर मामले की निंदा की। जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, इस घटना को सोची समझी साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि देश में माहौल को खराब करने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, उन्हें आगे आना चाहिए और मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं जो भी दोषी है उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है, ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज जहांगीरपुरी में हुए भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्ली वासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे, दिल्ली का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसे कोई बिगाड़ ना पाए। इसलिए अफवाहों पे ना जाएं, शांति कायम करने में अपना सहयोग दें सब लोग मिलजुल करके। तमाम सियासती दलों के भी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस समय वक्त है दिल्ली को बचाने का, दिल्ली के भाईचारे को बचाने का। बजाय हम इस तरह के ट्वीट करें जहां किसी भी पक्ष के व्यक्ति को आघात पहुंचे या वो ट्वीट इस तरह का आग में घी डालने का काम करे, उचित रहेगा मिलजुल करके हमें पुलिस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दिल्ली को बचाना है। बहरहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति फिलहाल पुलिस के काबू में है और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों समेत भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अतिरिक्त फोर्स भी इलाके में लगाई गई है। साथ ही साथ पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की गहनता से जाँच में जुटी हुई है और इलाके में
ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं शोभा यात्रा के आयोजकों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई और इस बार भी उन्हें कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि किसी तरह की कोई ऐसी घटना हो सकती है। और लेकिन जैसे ही उनकी शोभा यात्रा कुशल सिनेमा के पास बनी मस्जिद के नज़दीक पहुंची तभी शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ दंगाइयों ने हनुमान की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। अब ऐसे में आयोजकों और तमाम भाजपा के नेताओं ने भी इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।